गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव कम्प्लीटेड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुअर्स, पुअर इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड द मेजर्स ऑफ द पॉवर्टी, इन विच वी हैव स्टडीड द टू टाइप ऑफ द मेजरिंग द पॉवर्टी. फर्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड. ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वी नीड टू फाइंड वाइबल एंड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एंड डिजाइन स्कीम्स टू हेल्प द पुअर आउट ऑफ देयर सिचुएशन. हाउएवर, फॉर दीज स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हु द पुअर आर. फॉर दिस देयर इज नीड टू डेवलप अ स्केल ऑफ मेजर्स poverty and two factors that make up the criteria for this measurement or the mechanism need to be carefully chosen. Okay, first of all, the thing is needed that the how are poor people identified, ki hum kaise jo poor people hain unko identify kare. जब हम उनको आइडेंटिफाई कर ले तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज एंड जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको रेगुलेट करे, इवैल्यूएट करे एज वेल एज एग्जीक्यूट करे, सो दैट जितने भी पुअर पीपल हैं हम उनको पॉवर्टी से ओवरकम कर सके. टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वी नीड टू फाइंड वाइबल एंड द सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द कॉज ऑफ द पॉवर्टी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वी नीड टू नो दी व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ दी पॉवर्टी, कि किसकी वजह से लोग पुअर हुए हैं, एंड डिज़ाइन स्कीम्स टू हेल्प द पुअर आउट ऑफ देयर सिचुएशन, और उसके अकॉर्डिंग हम ऐसी स्कीम्स को डिज़ाइन करें सो दैट जो पुअर पीपल हैं वो उस सिचुएशन से आउट हो जाए. हाउएवर, फॉर दीज स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दे हु द पुअर पीपल आर. ओके, इस स्कीम को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली हु द पुअर आर, कि पुअर पीपल हैं कौन. सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पुअर पीपल कौन है, और हम उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जाने, सो दैट डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च करें कि हम ये जो पॉवर्टी है उसको हम रिमूव कर सके. फॉर दिस देयर इज़ नीड टू डेवलप अ स्केल टू मेजर पॉवर्टी. ओके, अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्केल को मेजर, एक मेजर लाना पड़ेगा, स्केल टू मेजर दी पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, एंड दी फैक्टर्स दैट मेकअप दी क्राइटेरिया फॉर दी मेजरमेंट और दी मैकेनिज्म नीड टू बी केयरफुली चूजन. ओके, और जो भी उसकी क्राइटेरिया होगी कि उनको मेजर कैसे करना है वो भी क्या होना चाहिए, एकदम केयरफुली चूजन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ पुअर पीपल क्या हो जाए, इससे डिप्राइव्ड रह जाए. इसलिए प्रॉपरली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेजर्स लेना पड़ेगा सो दैट दे नो दी हु द पुअर पीपल आर, एंड दे हैव टू प्रिपेयर दी मेकअप फॉर द क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट, सो दैट दी ऑल दी पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन आर केयरफुली चूजन. ओके, सो इट इज़ डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट, इन द प्री इंडिपेंडेंट एरिया एरा एंड दी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, सो इन प्री इंडिपेंडेंट एरिया दादाभाई नेहरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. ओके, इसको क्या किया गया, हाउ आर द पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, उसको टू क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया कि हम कैसे पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके लिए क्या किया गया, एक प्री इंडिपेंडेंट एरा और दी एक पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा को डिफाइन किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया. इसमें क्या था, दादा भाई नेहरोजी, लेट्स सी, ओके, दादा भाई नेहरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन.
ओके इन द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के टाइम दादा भाई नेहरूजी थे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट थे जो डिटरमाइन किए थे पॉवर्टी लाइन, कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने किसी एक इंडिया के बारे में सोचा, कि ब्रिटिशर्स क्या थे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि इंडिया की कैसी सिचुएशन है, इंडिया पॉवर्टी फेस करी है कि अनएम्प्लॉयमेंट फेस करी, उनका बेसिक मोटिव यही था कि यहाँ के जितने भी असेट्स हैं मनी को लेके ड्रेन ऑफ वेल्थ करना, मीन्स यहाँ की मनी को ड्रेन आउट कर देना और इंग्लैंड में पहुँचा देना। तो उस टाइम दादा भाई नेहरूजी थे जो उन्होंने पहली बार ये कंसेप्ट को पॉवर्टी लाइन को दिया। ही यूज्ड द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर्स एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अभी इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या है, ठीक है, उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, ये जो जेल में प्रिजनर्स होते हैं, जो प्रिजनर्स हैं उनके मेन्यू को लिया, ठीक, तो मेन्यू को लिया उन्होंने एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने उस टर्म को क्या दिया, उन्होंने उसके प्राइस को देखा कि कोई भी प्रिजनर है, कोई प्रिजनर अगर जेल में है तो उसको उसके मेन्यू को देखा और उसकी प्रिवेलिंग प्राइस को देखा जो उसको वहाँ पर फूड मिल रहा है। हाउएवर ओनली एडल्ट स्टे इन द जेल, चलिए लिसन, ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू दी दादा भाई नेहरूजी उन्होंने क्या लिया, उन्होंने ये कहा कि टोटल पॉपुलेशन किसी मतलब इंडिया की क्या है कि 1/2 टोटल पॉपुलेशन उन्होंने लिया। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो भी एडल्ट जेल में रहते हैं उनकी जो भी उनको जो फूड आइटम्स मिल रहा है वो उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मिलता है, मींस अगर कोई भी एडल्ट जेल में है उसकी जितनी कैपेसिटी है मतलब उसको जितना खाना खाना चाहिए उतना ही उसको इनफ अमाउंट में खाना मिलता है जेल में, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया, ठीक। और ऐसा नहीं है कि बस एडल्ट ही जेल में रहते हैं, ऐसे जुवेनाइल वो भी होते हैं जहाँ पे प्रिजन्स भी होते हैं जहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, बट उन्होंने क्या लिया, एडल्ट को ही लिया कि टोटल पॉपुलेशन क्या है हमने लिया है और उसमें कुछ क्या हैं एडल्ट भी हैं और कुछ क्या हैं चिल्ड्रेन भी हैं। सो उन्होंने क्या ये लिया कि इन केस अगर कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन उन्होंने अगर 1 लिया, ओके 1 अगर टोटल पॉपुलेशन है, सो टोटल पॉपुलेशन में अगर 1/3 चिल्ड्रेन है, ओके 1/3 चिल्ड्रेन है, अगर अज्यूम उन्होंने कर लिया 1 है पूरी टोटल पॉपुलेशन, ओके अज्यूम किया उन्होंने, तो टोटल पॉपुलेशन के 1/3 उन्होंने चिल्ड्रेन ले लिया, सो 2/3 क्या हो जाएंगे आपके एडल्ट हो जाएंगे, ठीक, एडल्ट ले लिया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये अज्यूम किया कि इसको फिर उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये कहा कि अगर 2/3 एडल्ट हैं जो अगर कंट्री की बात हो रही है, अब जेल की बात नहीं हो रही है, उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो भी जेल में एडल्ट हैं, एडल्ट को ही बेसिकली लिया कि उन्हें इतना ही खाना मिलता है जितनी उनकी नीड होती है, तो उन्होंने उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो उन्होंने ये देखा कि अगर कंट्री की पॉपुलेशन हम 1 ले लेते हैं तो 1/3 चिल्ड्रेन हैं और 2/3 एडल्ट हैं। उन्होंने कैसे डिवाइड किया कि 2/3 एडल्ट है और 1/3 चिल्ड्रेन है, ओके सो जो 2/3 एडल्ट हैं उनको जितना खाना मिलता है वो पूरा खाना को कंज्यूम करते हैं, ओके जितना भी खाना मिल रहा है। अब जो चिल्ड्रेन है, अब चिल्ड्रेन को भी उन्होंने 2 में डिवाइड किया, दैट इज़ 1/3 इंटू हाफ, 1/3 इंटू हाफ, उस 1/3 में भी आधे बच्चे ऐसे हैं जो
सिक्स या तो अभी बॉर्न है या तो 6 मंथ्स के बिलो है, और थर्ड वन बाई थर्ड के हाफ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो हाफ डाइट लेते हैं एडल्ट की। जो भी एडल्ट हैं, अगर एडल्ट 2/3 ले रहा है या जितना भी ले रहा है उसका हाफ ले रहा है, तो ऐसे बच्चे जो वन बाई थर्ड का दो पार्ट में किया, दैट मीन्स कि आधे बच्चे और आधे बच्चे, आधे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या खाना खा रहे हैं, ज़ीरो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं 1/3 का हाफ, जो बच्चे ऐसे हैं जो 1/2 खाना किसका खा रहे हैं, एडल्ट का खाना खा रहे हैं। ओके, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 0 दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0, एंड हियर इट विल इक्वल टू 1/12। ओके, सो व्हाट विल हैपन, सी व्हाट विल हैपन, दैट इज हियर वी हैव टेकन 2/3, जो 2/3 खाना आया था, और इधर हम क्या ले लेंगे, जो लिया था हमने 1/6 इंटू 0, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/12। ओके, अभी इसको क्या करिए, प्लस करिए, 2/3 प्लस 1/12, इट इज़ इक्वल टू 12, 8 प्लस 1 इट इज़ 9/12, 9/12 इक्वल टू 3/4, ओके 3/4। नाउ व्हाट वी गेट इन द एंड, 3/4। अब उनका ये कहना था, जो भी जेल में जितने भी एडल्ट हैं, अगर 3/4 खाना भी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उनको 3/4 भी जो जेल में रह रहा है उनका भी 3/4 भी अगर खाना मिल जा रहा है, डैट मीन्स वो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। अगर उनको जो जेल में प्रिजनर्स हैं उनका 3/4 भी खाना नहीं मिल पा रहा है, डैट मीन्स वो क्या हैं, वो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉवर्टी लाइन उन्होंने क्या किया था, वो पॉवर्टी लाइन वर्ड यूज़ ना करके उसको यूज़ किया था कॉस्ट ऑफ द नेसेसरी डाइट, कॉस्ट ऑफ नेसेसरी डाइट, जिसमें उन्होंने ये लिया था कि कोई भी जेल में है उसको क्या क्या खाना मिल सकता है, राइस मिल रहेगा, राइस, दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी एक्सेट्रा। ओके, कोई भी प्रिजनर है, सिंपल सा मीनिंग इस कंसेप्ट का यही है कि दादा भाई नेहरोजी ने कभी भी पॉवर्टी लाइन टर्म को यूज़ नहीं किया था, उन्होंने ये यूज़ किया कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि किसी का अगर कोई प्रिजनर जेल में है तो उसको इतना खाना इनफ अमाउंट में मिलता है जितना किसी को चाहिए, ठीक, जितना भी उसको 4 रोटी 5 रोटी राइस जितना भी मिल रहा है उतना उसको इनफ अमाउंट में खाना मिल रहा है। इन केस अगर हम इसका कंपैरिजन अगर टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की है उसमें करते हैं, दैट मींस अगर पॉपुलेशन हम कंट्री की 1 ले लेते हैं, तो उसमें से 1/3 उसमें क्या हैं, चिल्ड्रेन हैं, ओके, और 2/3 उसमें क्या हैं, एडल्ट हैं। ओके, सिंपल अगर पॉपुलेशन 1 है तो 1/3 उसमें चिल्ड्रेन हैं और 2/3 उसमें एडल्ट हैं। फिर बात आती है कितना वो लोग खाने को कंज्यूम करते हैं, तो उनके खाने को हम डिवाइड ऐसे करते हैं कि जो 2/3 एडल्ट है वो जितना भी खाना है वो पूरा कंज्यूम करते हैं, बट जो चिल्ड्रेन है 1/3 उस 1/3 को भी 2 में डिवाइड किया है, कि आधे बच्चे ऐसे हैं जो क्या है बिलो 6 मंथ्स हैं तो वो कुछ खाना नहीं खाते हैं, डैट मीन्स 0 खाना, और आधे बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट का हाफ खाना खा रहे हैं, मीन्स जो 2 साल 10 साल 15 साल के जो बच्चे हैं वो जो एडल्ट हैं उनका हाफ खाना खा रहे हैं, डैट मीन्स उसका भी हम हाफ कर लेंगे। तो इधर हमें क्या मिला, 2/3, इधर व्हाट वी गेट, 1/6 इंटू 0 दैट मीन्स 0 प्लस 1/12। When we calculate all these means 2/3 plus 0 upon 1/12, we get the value. Zero means nothing. So 8 plus 1
by 12 equal to 9 by 12, it is equal to 3 by 4. So अगर जो भी प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स का अगर जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री में, अगर उनको उस प्रिजनर का 3 by 4th भी खाना मिल जा रहा है, 3 by 4th फूड भी मिल जा रहा है जो भी प्रिजनर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी इंडिविजुअल है, जो पॉपुलेशन है कंट्री की, वो लोग क्या हैं, बिल अबव द पॉवर्टी लाइन है. अगर उनको 3/4 भी खाना नहीं मिल पा रहा है जो प्रिजनर्स हैं जेल में, तो वो क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है. सो फ्रॉम दिस दादा भाई नैरोजी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, की जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की जेल में रहने पे कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो एनकर करें. नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. हाउएवर ओनली एडल्ट स्टे इन जेल. ओके, ही अज्यूम डैट द कि जो एडल्ट हैं वो ही जेल में रहते हैं. इन एंड एक्चुअल सोसाइटी देयर आर चिल्ड्रेन टू, बट एक्चुअल सोसाइटी में चिल्ड्रन भी होते हैं. सो ही देयरफॉर अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग. फिर उन्होंने क्या किया, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया टू अराइव एट द पॉवर्टी लाइन, की कैलकुलेट करने के लिए हम किसको पुअर बोलेंगे. सो फॉर दिस एडजस्टमेंट ही अज्यूम डैट द 1/3 पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ द चिल्ड्रेन. ओके, ही हैज़ अज्यूम डैट द एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि भी पढ़ेंगे तो और समझ में, कि 1/3 पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की उसमें क्या है, चिल्ड्रेन रहते हैं. एंड हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटिल, कि हाफ ऑफ देम क्या कर रहे हैं, कि एकदम ही कंज्यूम कर रहे हैं, लिटिल या कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं. एंड वाइल द अदर हाफ कंज्यूम हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट, और उसमें से भी जो हाफ है, 1/3 में से भी जो हाफ हैं, वो क्या कर रहे हैं, एडल्ट की डाइट का भी हाफ कंज्यूम कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ ही अराइव द फैक्टर ऑफ द 3/4, कि कैसे उन्होंने 3/4 को लिया, जो हम लोगों ने लिया था 1/3 चिल्ड्रेन का, और इंटू 1/2, दैट इज़ 1/3 इंटू 1/2 इंटू 0 जो लिया था, तो इसने ये क्या ले लिया, ये क्या हो गया, 1/6, दैट मीन्स नील मीन्स 0, फिर प्लस 1/6 और हाफ, व्हाट वी हैव टेकन 1/3 इंटू हाफ, और हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट, दैट मीन्स व्हाट इट कम्स, 1/6 इंटू हाफ हो गया आपका 1/12. सो एंड 2/3 जो एडल्ट हैं वो फुल फूड ले रहे हैं, सो इट इज़ इक्वल टू 3/4 व्हाट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो द वेटेड एवरेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द 3 सेगमेंट गिव द एवरेज पॉवर्टी लाइन, कि इसको हमने कंज्यूम करके, जो हमने सेगमेंट्स को देख के क्या कर लिया, एक पॉवर्टी लाइन, एवरेज पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कर लिया, एंड विच कम आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कोई भी कंट्री में, पूरी कंट्री में क्या है, कि एक बार सिंपल सा एक बार और सुन लीजिए, कि एडल्ट कि किसी भी जेल में क्या होते हैं, बस एडल्ट होते हैं, ठीक है. बट अगर हम रियलिटी में बात करें, तो रियलिटी में एक्चुअल सोसाइटी में क्या है, चिल्ड्रेन भी होते हैं. सो दैट वी हैव अज्यूम डैट दी अगर कंट्री की पॉपुलेशन 1 है, ठीक, कंट्री की पॉपुलेशन अगर 1 है, तो उस 1 में क्या है, 1/3 क्या है, चिल्ड्रेन है, और 2/3 क्या है, एडल्ट है. और 2/3 जो है, जो भी खाना है कंट्री में, वो पूरे खाने को कंज्यूम कर रहे हैं. बट 1/3 में हाफ बच्चे ऐसे हैं जो बिलो द 6 मंथ्स हैं और निल खाना कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, उसी हाफ के 1/3 इंटू हाफ, जो बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट का भी हाफ खाना कंज्यूम कर रहे हैं. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वी गेट दी वैल्यू ऑफ 3/4, विच मीन्स अगर कोई कंट्री की पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल ऐसा है, या कोई फैमिली ऐसी है, जो एडल्ट का, जो एडल्ट हमारे प्रिजन में हैं, जो प्रिजनर्स हैं, अगर उनका 3/4 भी खाना, उनको खाना मिल जा रहा है, दैट मीन्स क्या हैं, वो लोग पॉवर्टी लाइन के अबव हैं. और अगर उन्हें, जो प्रिजनर्स खाना कंज्यूम कर रहे हैं,
उनको क्या है, उनका अगर 3/4 भी नहीं मिल पा रहा है, डैट मीन्स क्या है, वो लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। हमने प्रिजनर्स के साथ क्यों कंपेयर किया, क्योंकि प्रिजनर के साथ कंपेयर करने का मीनिंग यही था कि प्रिजनर्स जो भी हैं उन्हें क्या है, जेल में प्रॉपरली उतना ही खाना मिलता है जितना उनको नीड होती, कि वो 4 रोटी खाएं, 5 रोटी खाएं, राइस खाएं, और उनको उस कंडीशन में क्या थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी थे, नेसेसरी डाइट भी मिल रही थी उनको, मटन वेजिटेबल्स सारे जो भी न्यूट्रिशंस के हैं उनको मिल जा रहा था। इसलिए दादा भाई नेहरू जी ने कंपैरिजन किसके साथ किया, जो जेल में प्रिजनर्स हैं। ओके, तो टू कैलकुलेट दी पॉवर्टी लाइन, कि हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंडिविजुअल पुअर है और ये इंडिविजुअल पुअर नहीं है। तो जो भी प्रिजनर्स का 3/4 खाना जिसको मिल जा रहा है, दैट मीन्स वो पुअर नहीं है, और जिसे 3/4 भी नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स वो पुअर है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द इन द प्री इंडिपेंडेंस एरिया एरा। ओके, इन द सेकेंड, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द पुअर इन द कंट्री। फॉर इंस्टेंस, इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्मड अ स्टडी ग्रुप, इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड the task force on the projection of the minimum needs and the effective consumption demand was formed. In 1989-2005, expert group were constituted for the same purpose. Beside the planning commission, many individual economists have also attempted to develop a such mechanism. Okay, to identify the who are the poor, there are many several attempt was given by the any group or the also from the any individual economist also. In 1962 में planning commission ने क्या किया था, एक study group बनाया था। okay, उस group में उन्होंने क्या identify किया कि किसी को भी minimum daily requirement को identify किया, कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसको 2400 कैलोरी रूरल, जो रूरल में है उसको अगर 2400 कैलोरी मिल रही है पर डे, डैट मीन्स वो लोग क्या हैं, अबव द पॉवर्टी। अगर उससे कम उनको मिल रही है, डैट मीन्स वो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। एंड 2100 कैलोरी फॉर द अर्बन पीपल, बिकॉज अर्बन एरियाज में जो कैलोरी चाहिए होती वो कम चाहिए होती, बिकॉज जो रूरल एरियाज़ में होते हैं उनका काम ज़्यादा वैसा होता है कि धूप में काम करना, तो उसमें उनको कैलोरीज़ क्या होती है, ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। सो दैट प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये डिफ़ाइन किया गया मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, सो दैट 2400 कैलोरी फॉर दी रूरल, इट इज़ अगर वो लोग इतने कैपेबल है कि वो लोग ले सकते हैं, दैट मीन्स दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन। अगर नहीं हो पा रहे, कैपेबल नहीं है, दैट मीन्स दे आर below the poverty line. So 2400 calorie for the rural and 2100 calorie for the urban. Okay, in 1979 another body called the task force on the projection of the minimum needs and the effective consumption demand was formed. Okay, different groups of was formed to remove the poverty as well as to identify the number of poor. In also in 1989-2005 expert group were constituted for the same purpose. Iske liye 1989-2005 mein bhi group banaye. Beside the planning commission, many individual economics have also attempted to develop a such a mechanism. Okay, planning commission ke baad bhi aise bahut sare log the, individual economics the, jo बहुत सारे मैकेनिज्म को डेवलप किए टू आइडेंटिफाई द पुअर। सो इन द वेन एवर वी हैव टॉकिंग अबाउट दी टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल, सो दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, इन द प्री इंडिपेंडेंट एरिया व्हेन द दादा भाई नेहरू जी वाज फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, एंड द सेकेंड वन वी हैव टॉकिंग अबाउट द इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया। सो देर वर सेवरल अटेम्प्ट टू identify the number of the poor people and the who are the poor also. Okay, in the next one is categorizing poverty. There are many ways to categorize poverty. Okay, ab hame pata chal gaya ki who are poor, ab hame kya karna hai, unko categorize karna hai ki kis category mein hum unko
डिवाइड करेंगे. सो देयर आर मेनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी. दीज टू ऑफ दीज आर डिस्कस्ड बिलो. ओके, फर्स्ट वन इज अ क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड दी नॉन पुअर. वॉट इज क्रॉनिक पुअर? इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड हु आर यूजुअली पुअर बट मे समटाइम हैव लिटिल मोर मनी. दैट इज कैजुअल वर्कर आर ग्रुप टुगेदर एज अ क्रॉनिक पुअर. क्रॉनिक मीन्स लॉन्गर पीरियड. कि कुछ ऐसे पुअर होते हैं जो हमेशा ही पुअर रहते हैं. दोज हु आर यूजुअली पुअर बट मे समटाइम हैव द लिटिल मोर मनी. बट समटाइम्स उनके पास क्या होती है, कुछ मनी हो जाती है कैजुअल वर्कर कि अगर वो काम करेंगे तो उनको इनकम मिल जाएगी. तो क्रॉनिक पुअर मीन्स कि जो बहुत लंबे पीरियड से क्या है, लंबे टाइम से पुअर ही रह गए एंड दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रॉनिक पुअर एंड समटाइम दे हैव द लिटिल मोर अमाउंट ऑफ मनी. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट पुअर. अनदर ग्रुप आर द चर्निंग पुअर हु आर रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी. चर्निंग पुअर मीन्स दैट पुअर हु आर मूव. समटाइम दे आर इन पॉवर्टी एंड समटाइम दे आर अबव द पॉवर्टी. कि चर्निंग पुअर की वो मूव करते रहते, ये नहीं कि वो पुअर ही हैं या अबव द पुअर हैं. नहीं, उनका क्या है, वो कभी पुअर हो जाते हैं फिर कभी पॉवर्टी लाइन के अबव भी हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल फार्मर, सीजनल वर्कर. ये सारे सीजनल वर्कर क्या है, अगर सीजन है तो दे आर एम्प्लॉयड. इफ देयर इज़ नॉट देयर विल नॉट एनी काइंड ऑफ सीजन रिलेटेड टू देयर वर्क सो दैट दे बिकम द पुअर अगेन. एंड द ओकेजनली पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मैनी समटाइम हैव द पैच ऑफ द बैड लक, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिएंट पुअर. ओके, और ओकेजनली पुअर भी होते हैं जो कभी कभी टाइम में ऐसे हो जाते हैं कि उनके बहुत पैसा मिल जाता है और कभी कभी क्या है कि उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता है. सो दीज ऑल आर द ट्रांजिएंट पुअर विच मीन्स द चर्निंग मीन्स मूव इन एंड द मूव आउट. कि कभी वो पुअर हो जाएंगे और कभी पुअर वो अबव द पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज नॉन पुअर. दीज आर पुअर हु आर नेवर पुअर. ये कुछ ऐसे भी पुअर होते हैं जो कभी भी पुअर नहीं होते. विच मीन्स वो अपनी जो भी मिनिमम नीड है वो कभी कभी समटाइम्स वो फुलफिल कर लेते हैं. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. एंड द सेकेंड वन इज पुअर एंड द नॉन पुअर. फॉर द पर्पज ऑफ द डिफाइनिंग पॉवर्टी पीपल आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज, द पुअर एंड द नॉन पुअर एंड द पॉवर्टी लाइन सेपरेट द टू. फर्स्ट वन इज पुअर. There are many kinds of poor people, the absolutely poor, the very poor and the poor. And the non-poor means there are various kind of non-poor, the middle class, the upper middle class, the rich, very rich and the absolutely rich. Okay, the next one is poor and the non-poor. So poor and the non-poor is, it is basically and the it separate the between the two. Poor are the those poor. They are the absolutely poor, that they are always in the below the poverty line and they are very poor and the poor. They sometimes move in and move out the poverty line. Non-poor simply means they are never poor as well as they are upper middle class, the rich people, the very rich people and the absolutely rich. These all are comes under the category of the non-poor. Okay, see the diagram. It is the poverty line. Always poor means they are always below the poverty line. Usually poor means sometimes they are below the poverty line and sometimes they above the poverty line. Churning poor, you also know that they come, sometimes they are below the poverty line and sometimes they are above the poverty line. Occasionally poor is also, they are most of the time are non-poor because they are moving above the line and sometimes they also come into the below the poverty line as we have taken the example of the seasonal worker as the some farm seasonal farmers also. Never poor means all the middle class people, upper middle class people, rich people, absolutely rich, these all are the never poor. They never ever touch the poverty line. They always above and more above the poverty line. So it all the category of the poor. So these all are the
क्रॉनिक पुअर दे लिव इन द मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो लोग क्या करते बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक पुअर रहते. ट्रांजिएंट पुअर मीन्स दे आर मूव इन एंड दे ऑल आर द चर्निंग पुअर. समटाइम दे आर मूव इन एंड दे आर मूव आउट द पॉवर्टी लाइन. नेवर नॉन पुअर मीन्स दे नेवर एवर बी पुअर. दे आर मिडिल क्लास पीपल, अपर मिडिल क्लास पीपल एज वेल एज दे आर रिच एज दे एब्सोल्यूटली रिच. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन टू द पुअर एंड नॉन पुअर. सी, पुअर मीन्स एब्सोल्यूटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर. नॉन पुअर मीन्स नॉट सो, इट्स पुअर. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, द मिलेनियर्स एंड द बिलेनियर्स. ओके, पुअर में दीज ऑल आर कम्स इन टू द पुअर एंड दीज ऑल आर द नॉन पुअर. सो इट इज़ ऑल अबाउट द टूडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.